नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बड़ी खबर आ रही है सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना इलाके के शरीफ जलालपुर से, जहां पर बच्चों के बीच क्रिकेट खेल हो रहा था और इस दौरान बॉल एक व्यक्ति पर चली गई और उसके बाद से उस व्यक्ति ने कुछ विरोध किया तो उसकी चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बताते चले कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो मोहम्मद सुरजान मियाँ का पुत्र जहरुद्दीन मियाँ है और कारपेंटर का काम वो करते थे। हालांकि आपको बताते चले कि उनके जो परिजन हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि एहतसाम का लड़का अकरम है और जिसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसके बाद से पिता और पुत्र मिल करके इस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिवान में जब उनकी बॉडी को लाई गई तो ये लोग मौजूद थे, वहाँ पे उनके परिजन मौजूद थे और इस तरीके से वो लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालाँकि पुलिस प्रशासन, वो लोग बता रहे थे कि छापेमारी कर रही है, लेकिन वो लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल उनके जो परिजन थे, उनकी बहन थी और भी कई लोग थे, रो रो कर उन लोगों का बुरा हाल है। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें कि बच्चों के बीच में क्रिकेट हो रहा था और उस दौरान बॉल जो है उनके ऊपर चला गया और उसमें उन्होंने कुछ कहा, बस इसको लेकर के एक छोटी सी चीज़ों को लेकर के और इस तरीके से बड़ी वारदात हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। ये घर से शाम को गेहूं बो के आए, गए चीनी के लिए, अब वो बेल बट खेल रहे थे, शायद इनको लगा होगा तो कुछ बोल दिए, वो तीनों बाप बेटा अपना पकड़ लिए, आ एक उसका बेटा चाकू मार दिया, बैट से लाठी से मारे लोग, उसके बाद जो है कि चाकू मार दिए। मारे उसका लड़का है, अभी इश्तिया में क्या नाम है, एहतसाम का लड़का है अकरम, आप दूसरे वाले का नाम याद नहीं है। इनका क्या नाम है, किनका मौत हुई है? इनका जहरुद्दीन नाम है, शरीफ जलालपुर थाना लकड़ी नबीगंज थाना पड़ेगा। इनके पिता का नाम मोहम्मद सुरजान मियाँ। उम्र कितनी होगी इनकी? इनकी 65 के करीब होगी। तो आखिर वो लोग खेल रहे थे, मतलब इनसे किसी तरह कोई हम लोग से कोई व्यवहार झगड़ा नहीं था। आखिर इनको चाकू क्यों मारा गया, कुछ तो कारण होगा ना? बस वही रहा, वो जो बैट खेल रहे थे ना, बलबिंडर खेल रहे थे, तो वो शायद आ रहे थे उधर से, चीनी लेके आ रहे थे, तो लग गया बॉल और शायद इनको, तो इन्होंने हटाया उस। अच्छा। बस वो तीनों बाप बेटे भिड़ गए, उसकी औरतें महतारी बेटी है वो भी भिड़ गई, पांचों के पांचों भिड़ गए, अब वो दो पकड़ लिए बूढ़े आदमी। ये कल 6:40 पर शाम को। ये आपके कौन है भाई? है छोटे छोटे भाई है। हाँ। क्या करते थे ये? कारपेंटर का काम करते थे। कितने लड़के होंगे? दो लड़के हैं। तो क्या पुलिस के उन लोगों को गिरफ्तार कर सकी है अभी? अभी नहीं किया है, गई थी उसके ममहर, लेकिन ममहर मिला, वो अपने गांव में चाचा ताऊ के घर में ही होंगे, लेकिन वो अभी बाहर नहीं गए, अभी भी हमारा जहाँ तक ख्याल है कि वो घर ही में हो गए चाचा ताऊ की। अपना नाम बता दीजिए। रियाजुद्दीन। मरले बारे तो बाप बेटा, बाप बेटा मरले बारे तो हमारे भाई आ गए। कुछ जानकारी बार हुआ? जानकारी बाकी आवत रहने थी किन के चीनी और लोग गोड़वा फंस गए, उनको तो गिर गए, उनको दे पर वही पर बारे लगले बारे सन। मरल बनल तीन शेख लोग बा, मोबाइल बा मार्केट।